हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद। और मैं हूँ जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिंदुस्तान के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भाई हिंदुस्तान के तकदीर बदल देंगे। आप एक बार वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं डिफरेंशिएशन अर्थात छोटे से छोटा बदलाव, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। जो हम कहते हैं कि आदर्श स्कूल कैसा होता है, तो मैं इसको कहूंगा कि एक आदर्श स्कूल है। ये जो बच्चे हैं सब मोस्टली सब घाट पर जो काम करने वाले लोग हैं, सब उनके बच्चे हैं। 13 साल तक की उम्र तक का बच्चे का दिमाग आइंस्टाइन से तेज चलता है। 925 का स्क्वायर का मतलब 950 गुणा 925 कमाल कर दे। इन बच्चों को कहां तक पहुंचा दें? जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही फैमिली से आते हैं, तो इन बच्चों को देख के बहुत खुश होंगे सर। अरे वो आए ना आए, भाई साहब आप गले लग जाए। ओए होए होए, क्या और बनता भी है। नमस्ते, मैं हूँ कुलदीप और मैं जबलपुर के गौरी घाट पर हूँ। मेरे पीछे इस वक्त रात हुई है, रात के 8:30 बज रहे हैं और एक स्कूल चल रहा है। और जब हम कहते हैं कि आदर्श स्कूल कैसा होता है, तो मैं इसको कहूँगा कि एक आदर्श स्कूल है, क्योंकि मैं यहाँ 10 मिनट से बैठ करके देख रहा था। और जो पढ़ा रहे हैं उनका नाम है पराग भैया, उनसे भी बात करवाते हैं, आपकी बच्चों से बात करवाते हैं, और आपको ही पता चलेगा कि आदर्श स्कूल मैं इसको क्यों कह रहा हूँ। अद्भुत स्कूल है ये, 6 साल 7 साल के बच्चे 15 16 18 20 साल की उम्र के सवाल हल करते हैं। पर आइए आपको दिखाते हैं इसके बाद। नमस्कार, जय हिंद जय भारत से बातचीत शुरू होती है, हर जवाब की शुरुआत वहां से होती है। पहले मुझे बताइए इस वर्दी के पीछे भी कोई कहानी है? आप फौजी की कैमोफ्लेज पहने हुए हैं, तिरंगा झंडा पहने हुए। मैं अग्निवीर को ट्रेन करता हूँ और मेरा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अग्निवीर के लिए निकले। तो बस एक मोटिवेशन देता हूँ कि मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द टीचर ओनली, दैट इज द थिंग। ये बच्चे यहाँ खड़ी हुई कुछ पढ़ा रही थी और आपने माइक यहाँ रखा हुआ, सामने बच्चे हैं, मैं जो आप पढ़ाते हैं मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। व्हाई नॉट। तो हम फिजिक्स पे हैं जी, और ये बच्ची स्टार्ट कर रही है फिजिक्स के वो टॉपिक्स जो 11th 12th के हैं। और ये छोटी सी बच्ची यहाँ बैठती है, कितने साल की हो आप अंशु? 5 5 साल। कौन सी क्लास में हो? KG1। तो अब आप क्लास लेने जा रही हो एक बार। What do you mean by charge? What do you mean by electric current? Namaskar, H. Bharat. Electric current is discovered by Ampere. The rate of flow of charge is electric current. Electric current equals charge upon time. Anjika, हो सकता है सब सोच रहे हैं कि आपने सब याद किया हो। इसमें आपने एक शब्द बोला पॉजिटिव चार्ज, तो सबको बता रही है पॉजिटिव चार्ज का मतलब। नेगेटिव चार्ज का मतलब? नमस्कार जय हिंद जय भारत। नेगेटिव चार्ज का मतलब 6.25 × 10⁻¹⁸ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब आपको टीचर बनना है और एक टॉपिक लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, तो आपके पास मॉडल है, तैयार है आप? बाकी सबके पास हैंड्स है? मुझे आवाज ही नहीं आई। जरा ऊर्जा के साथ आज आप एक क्लास लोगी, शिक्षक बनोगी। चलो नमस्कार जय हिंद।
क्या हमारा जो ग्रास रूट है दैट इज कॉल्ड संस्कृत, उसमें भी जबरदस्त है। पहला श्लोक मैं कभी हार नहीं मानूंगी, संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी कोई बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाता है तो उसको अंग्रेजी जरूरी है। ये सब बच्चे हिंदी मीडियम के, अब जैसे मैं एक सवाल है मेरा सॉरी, अब ये बच्चे जो पढ़ाई है वो एक एक स्टेज से होती है ना, कि पहले गिनती फिर गणित फिर गुणा फिर भाग। हाँ, लेकिन इसमें आप इन छोटे छोटे बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और फिजिक्स सिखा रहे हैं, क्या मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है? मतलब समझने में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया का एजुकेशन इसलिए अमेरिका से पीछे है, चाइना से पीछे है। देखिए आपको बताता हूँ साइंस क्या कहता है। 13 साल तक की उम्र तक का बच्चे का दिमाग आइंस्टाइन से तेज चलता है। After that, when he comes to 14, the brain's blocked. तो मैं तो यहाँ पे बड़े बच्चों को पढ़ाता था, ये छोटे छोटे आए बैठे सीखे, लेकिन ये हर चीज़ का जवाब उतने ही पैशन से देते हैं जितने पैशन से बड़े बच्चे देते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करूँ, एक 7 साल का लड़का, मयंक खड़े हो जाइए, मयंक मयंक। अब सर मैं आपसे जनरली अपन बात करते हैं, 925 का स्क्वायर निकालना है, 925 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं 925 का स्क्वायर की बात करें, एक 7 साल का लड़का, कैन यू टेक आउट इन 20 सेकंड्स? मुझसे तो नहीं होगा भाई। अब आइए देखते हैं, आइए मैम सामने आ जाइए, 925 स्क्वायर ऊर्जा के साथ स्टार्ट करें। नमस्कार जय हिंद जय भारत, 925 का स्क्वायर का मतलब 950 गुणा 950 यार बच्चे ने क्या ही कर दिया। क्या नाम है आपका? आपका नाम बता दीजिए। पीयूष आ गए। आपकी दुकान है गौरी घाट में? कहाँ पे दुकान है? क्या करते हैं आपके पिताजी? नाव चलाते। नाव चलाते हैं। ओए तो पीयूष, नाव की बात हुई है, तो कोई लड़का नाव से कूद रहा है, तो नाव आगे जा रही है वो पीछे जा रहा है, ठीक है? न्यूटन का कौन सा लॉ समझाइए। नमस्कार ये जय भारत, न्यूटन का डाला, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उदाहरण जैसे कि मैं तैरा तो पानी को पीछे फेंक रहा और पानी मुझे आगे फेंक रहा, जैसे कि मैं बंदूक चला रहा तो बंदूक की गोली आगे जा रही है और बंदूक पीछे आ रही है, क्या
हमारे साथी हैं और ये लल्लन टॉप में हमारे पूर्व सहयोगी हैं। आयुष का आयुष नाम है इनका। साइंस कारी नाम का एक प्रोग्राम करते थे, विज्ञान में इनकी बहुत रुचि है, IIT से हैं। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब मैं इनको इसलिए बुला रहा है बच्चों से इंटरेक्शन में ये मदद करेंगे, ये बहुत हतप्रभ होकर के उधर से देख रहे थे। जी प्लीज आप पढ़ाते रहिए हम बस। जी बस सर, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, दैट इज कैलकुलस। जी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीजें होती हैं। तो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे आप। ओके तो आपको एक्स की पावर 8 प्लस 2 की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस 4 आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन का मतलब बता दो। नमस्कार, जय जय भारत। डिफरेंशिएशन अर्थात छोटे से छोटा बदलाव, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। ठीक है, अब पहला सवाल पढ़ लीजिए। चलिए नमस्कार, जय जय भारत। एक्स की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस 4 डी बाय डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 8 प्लस डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स बेस ई प्लस डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 7 प्लस 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग 2 बेस ई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 0। यार आयुष कभी मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस आता है हमारी, मतलब हम जैसे बच्चों को रोना आ जाता है। ये जो है आयुष, ये IIT से हैं। मैंने भी 12वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, PCM मैथमेटिक्स पढ़ा है। डिफरेंशिएशन भाई साहब हो गया था, इंटीग्रेशन में पापड़ बेल दिए थे। क्या उम्र है बच्चे आपकी, उम्र क्या है? 6 साल के बच्चे ने अभी इंटीग्रेशन करके दिखाया। डिफरेंशिएशन सर, नाउ वी मूव टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये कमाल की चीज है। कौन कौन कर सकते हैं एक्स की पावर 8? चलिए वंशिका, एक्स की पावर 8 सब नहीं याद करेगा। नमस्कार, जय भारत। एक्स की पावर 8 डी इंटीग्रेशन करना है। एक्स की पावर 8 डी एक्स एक्स भूल यार। तुम्हें पता था कि तुम्हारे शहर में इस तरह का एक काम हो रहा है? नहीं, मुझे मैं मतलब चौंक गया हूँ ये देख के, यहाँ की एनर्जी कितनी गजब है, और मैं तो थोड़ा सा भावुक भी हो गया था खड़े खड़े देख के जब वो न्यूटन डिस्कस कर रहे थे, बताओ। और सर ये सपने जैसा है, हम लोग जब कहते हैं ना कि चुनावों में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए, चुनाव का समय हम चुनाव कवर करने आए थे, पर ये देख करके ऐसा लग रहा है कि यात्रा 15-20 दिन से चल रहे हैं, हम लोग थकान उतर गए। बहुत अच्छा काम कर, बहुत IPS निकालना यही एम है हमारा, और निकलेंगे ना बच्चों। ये सबके पराग भैया हैं, हैं सब। और जबरदस्त बच्चे हैं। अभी हमारे यहाँ से घाट से एक बच्ची है 10th में, नीलम खड़े हो जाए। कितने परसेंट स्कोर किया आपने? 86 क्या नीलम, आपने मैथ्स में कितना स्कोर किया? 90। और ये इनके पिताजी क्या करते हैं? आपके पापा क्या करते हैं नीलम? पंडित हैं घाट पर। तो ये जो बच्चे हैं सब मोस्टली सब घाट पर जो काम करने वाले लोग हैं सब उनके बच्चे हैं। और जबरदस्त टैलेंट। आप कब से कर रहे हैं ये काम? सर 2016 से, मतलब 2016 माय लॉस्ट माय मदर, आफ्टर दैट आई जस्ट मेट वन ऑफ द किड, और मैंने देखा यहाँ राजश्री गुटका ये सब खाते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया। 20 रुपए देता था पहले कि पढ़ने आओगे तो आपको 20 रुपए दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं 1 से 5 हुए 5 से 10 हुए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में सर घाट पे बैठे हुए जो एंजल्स हैं जिनको हम गरीब कहते हैं, अपने घर में खाना बनाया और उनको बांटा है। मतलब ये वो बच्चे हैं, मतलब हमारा एम यही है कि हम इन बच्चों को कहाँ तक पहुँचा दें। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही फैमिली से आते हैं,
तो इन बच्चों को देख के बहुत खुश होंगे सर। अरे वो आए ना आए भाई साहब आप गले लग जाओ क्या। हाँ कुछ कहना चाहिए आयुष, कुछ कहना चाहिए। मैं ये देख रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे और मुझे माइकल फैराडे की कहानी याद आ रही थी। तो माइकल फैराडे एक बहुत ही गरीब अंडर प्रिविलेज परिवार का एक लड़का था और रॉयल इंस्टीट्यूशन एक बड़ी सोसाइटी है इंग्लैंड में, वो साइंस के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करती थी। उस समय क्रिसमस लेक्चर्स नहीं होते थे पर अनौपचारिक रूप से रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक मेंबर थे सर डेवी। तो सर डेवी ऐसा ही क्रिसमस लेक्चर दे रहे थे जिसमें कोई भी आ सकता था और माइकल फैराडे जो बहुत एक गरीब साधारण परिवार का लड़का था वो ऐसे ही क्रिसमस लेक्चर में बैठा था और वो सर डेवी को सुनता है और वो आगे चलकर उनके अंडर आता है और फिर वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देता। तो मुझे पता नहीं एकदम से हाँ मैं बहुत रूजवेल्ट टोल्ड इन व्हाइट हाउस ओनली वन डे वी विल एबल टू टैक्स इट, दिस वॉज अ स्टेटमेंट गिवन बाय हिम। और आने वाले समय में मतलब लोग इस पे टैक्स लगाएंगे तो और आज आगे बढ़ गए। ये सब बच्चे दूसरे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, दिन में जाते हैं। हाँ सब स्कूल वहाँ सब तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये छोटी सी बच्ची वंशिका खड़े हो जाइए, आप जरा मुझे बता दें कैन यू बिलीव सर इलेक्ट्रिक मोटर, शी कैन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर टू एनीवन। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या होता है बच्चे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वंशिका क्लास ले रही है, जरा उसका सपोर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिक मोटर, चलिए क्या उम्र है आपकी वंशिका? 5। 5 साल आपकी उम्र है। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? चलो वंशिका स्टार्ट करें, क्लास लेंगे, चलिए। नमस्कार जय हिंद जय भारत। नमस्कार जय हिंद। सर भाई आप रेस दे रहे हैं। एंड कर गए यार, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और आपकी क्लास को मैं डिस्टर्ब करने आ गया। पर मैं ये इतनी उम्मीद जताता हूँ कि दुनिया देश भर में जो भी लोग इसको देखेंगे बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और आई एम श्योर आप सबके माता पिता भी बहुत खुश होंगे। पराग भैया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं सब लोग। हाँ भैया बहुत शुक्रिया आपने समय दिया और आप सबको प्रणाम। क्या बात, यार बच्चों ने ना कमाल कर दिया, यकीन माने
कि ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस वीडियो में से ये चीज़ निकलेगी। हम ये बोल सकते थे कि जैसे एक टाइटल में भाई एक इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ था, तो हमने सोचा शायद बच्चों से ये पूछेंगे कि इलेक्शन कैसे जा रहे हैं या किसको आगे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन अच्छे आगे जा रहे हैं। लेकिन एक जो सर ने एक यकीन माने उनकी एक ऐसी स्टडी उनसे करवा रहे हैं कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी 5 साल का बच्चा खड़ा होकर, जो अभी के भाई पढ़े लिखे ये बंदे काम नहीं कर सकते, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं छोटी सी क्लास में वो ये चीज़ें कर रहे हैं। वो पास सर खड़े हैं, उनको पूछा, उन्होंने बोला भाई हमारे हाथ खड़े, हमको ये चीज़ें समझ नहीं आई। चाहे वो IIT से ताल्लुक रखते हैं, उनको पता होगा इन चीज़ों का। सही है, सही बात है यार। बच्चों वाकई वीडियो काफ़ी कमाल की मिली है और एक ये वीडियो हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए, एक जितना भी मतलब कि एक वर्ल्ड में चीज़ें हो रही है। लेकिन देख लो एक कंट्री होती है वो मतलब कि एक वेपन खरीदते हैं, एक न्यूक्लियर बनते हैं, एक मतलब कि अपनी आर्मी बढ़ाते हैं, हर चीज़ करते हैं अपनी ताकत बढ़ाने को। लेकिन मुझे लगता है कि जिस कंट्री के पास या जिस मुल्क के पास ये पावर है ना, ओए होए वो कंट्री धूम कलम की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं बाकी। और देख लो आप देखो ना, एक दूर दराज वो इलाके में गए, खुल्ला मुखुला इलाका मतलब के बाड़ी इलाका या आप समझ ले ऐसी कुछ जो नो चलाते हैं वो या बाकी नीचे से गरीब दबके के मतलब के बच्चों के घाट के रहने वाले, तो उनकी आप देख लो कि उनका मतलब के माइंड कैसे एक शातर है। अब यही जाकर आगे एक मतलब के बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, एक एक मतलब के नासा में जाएंगे, इसरो में जाएंगे, हर चीज में जाएंगे। यार मैं कहता हूँ कि यकीन करो क्या बंदा इसके ऊपर यार बात करे, लड़के तो नहीं, छोटे छोटे बच्चों में यार कितना टैलेंट है। मुझे सबसे ज्यादा बल्कि सारे ही पसंद आए, लेकिन जिसने वो मतलब आके वो बच्चे ने तेज तेज वो किया था ना एक वो एक्स की एक्स 925 एक्स वाई इस तरह यार के लास्ट पर छोटी बच्ची ने यार वो भी किया है, लेकिन वो बच्चे ने देख लो किस तरह फौरन उसको मल्टीप्लाई करके काट उसको काटते गए हैं सर, और एंड के ऊपर उसका जो है ना वो रिजल्ट निकाल दिया है। अब आप एक आप ये आपके दिमाग में कोई ऐसा लोग होते हैं जिनके जेहन में आता भी है कि भाई इनको सिखाया है या याद करवाया है, तो ये एक चीज याद भी करवाई है तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है यार। आप उस साइड के ऊपर नाम ही जाए ना, लेकिन यार कमाल सर को एक अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, उनके अंदर कितना है कि मतलब के दिमाग नहीं कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर भी नहीं है, आप समझ ले कि ये कोई एक अजीबो गरीब दिमाग है। यकीन करें इस एज में बच्चे को एक ABC नहीं आती, इधर पाकिस्तान में एक हमारे गांव से 5 रश्के जाते हैं सुबह सुबह, ऐसे जाते हैं जैसे इन्होंने युद्ध पर जाना है, युद्ध पे और यकीन करो उनको वांटू नहीं आती, वांटू नहीं आती, ऐसे आपने नहीं वो भतीजे रक्षे भर भर कर जाते हैं, उसने बड़ा बैग रोज मेरी मुझे बाल पैंट ले दो लेके आओ, शॉर्पनर नहीं है, ये नहीं है, आज घड़ी लेके आओ मैंने टाइम देखना है, और उसको भी 10 तो पता है ना हमारे किस तरह। लेकिन यकीन करो फिर क्या करें हम, वालदैन भी ऐसे नहीं, नहीं वो एक उसकी छोड़े मतलब कि वो तो लाइन पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उसको हम चढ़ाएंगे क्योंकि अब ये हमारी भाई जिम्मेदारी है। अगर हम इन चीजों देखते देखने के बावजूद भी चीजें ये इग्नोर कर दें, हमारे बच्चे कभी भी नहीं इस लेवल तक पहुंच सकते। एक रियलिटी आप चाहे जो भी आप समझे ना, यार ये एक रियलिटी है, हमारे इधर ऐसा कोई बच्चा होंगे कोई, आप 100 में से 1-2 निकल आते हैं, लेकिन ये आपके सामने 100 के 100 बैठे हुए हैं यार। हर एक बच्चे के अंदर एक जैसा माइंड है यार, इधर बेड़े गर्क किया, हमें तो अपनी मिसाल देने पर शर्म आती है। अब देखो ना एक इन्होंने खुद से ही नंबर लगवा लेते हैं, नंबर ये फास्ट है ये सेकंड है। एक 2 साल बाद वो लड़का मिलता है तो वो कहीं मजदूरी कर रहा होता है या उन्हें करियाने की स्टोरी, एक लक्ष्य जो दिखाना होता है ना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यार ये एज होती है एक बंदे की बेस बनाने की, बेस बनाने जिस तरह उन्होंने कहा है कि 13 साल तक जो है ना वो दिमाग, ये एक एज होती है बंदे की बेस बनाने की, जिस एज में आप उनको गजवा हिंद सिखाते हैं, जिस एज में आप बोलते हैं कि इंडिया दुश्मन है, उन्हें इंडिया का मतलब के नाम एक उसके माइंड में डाल देते हैं और वो निकलते ही नहीं है ता उम्र तक ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान का जो भी मुस्लिम ममालिक है ना, इनका पता नहीं कैसा एक एजुकेशन सिस्टम है,
हमें तो नहीं भाई इस चीज़ का पता। आप आज अभी तक किसी मुल्क में आप मुझे बता दें कि किसी ने कोई चीज़ ईजाद की, कोई छोटे मोटे होंगे हैं, लेकिन आप देख लो जो भी टेक्नोलॉजी एवरीथिंग वो सारी कोई यूरोप से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, मतलब वो एक वही तैयार करके हमें दे रहे हैं जो कि मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़े हमारे दुश्मन यहूदी हैं जिनकी हर चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सुबह इसी चीज़ के ऊपर बड़ी बहस हुई ऑफिस में, खान सर की वीडियो देखी हुई थी, यकीन करो एक दफ़ा उनको लिताड़ के मैंने रखा, उनको बताया कि नहीं आप देखो ना, एक बड़ा तरीका था, मैंने कहा उसने स्विच दबाना आपका मोबाइल अभी बंद हो जाना है। लूज टॉक आपने प्रोग्राम देखा हुआ है, उसमें वो उससे पूछता है कि आप मुझे कोई मुल्क दिखा दो जो मतलब के एक खुशहाल है, वो आगे से बोलता है इस्लाम बात कि इस्लामाबाद है खुशहाल, तो वो उसकी बात सही थी एक मतलब के, लेकिन भाई अब एक बच्चों पर खुशहाल हो गए लेकिन उन्होंने खुशहाली किसी और तरफ जाने ही नहीं, जाने नहीं। हमें यकीन करो एजुकेशन की वैल्यू का बताया ही नहीं गया कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है भाई। स्टार में हमें हमारे कॉल तो हैं कि लह से लेकर मैं ताकि इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े, उस वक्त चीन बहुत दूर होता था, लेकिन ये कि वो चीन आप इनको मतलब उधर गुजरने भी नहीं देते नहीं दे। वाले हाँ। वो शी जिनपिंग मानते ही नहीं मिसालें, इधर तो हमने बनाए हुए ना, ये इकबाल का शायर है, इकबाल ने कलम की ताकत से ये चीजें लिखी है, वो शी जिनपिंग सब बोलता है कि ये बकवास है, पैसा है तो आ जाओ, कंपनी कंपनी बनाओ इधर, चाहे जितनी भी बड़ी बनानी है, पैसे की बात करो, ये इकबाल की शायरी उधर ही चलती है, ये फूका पीरी मुरीदी साहब कुछ लेकिन यकीन करो बच्चों ने यार मजा करवा दिया, ये आने वाला जो है ना वो टाइम यकीन करो इनका, और इनके आगे एक बहुत बड़ा आप कह लेके बड़ी मंजिल है ये, जिनके एक हंसते गुजरते जाएंगे ऐसे, बिल्कुल कोई शक नहीं। बाकी अच्छी वीडियो थी, जिन्होंने भी रिकमेंड की है वो बहुत अच्छी की है। एक वो साइंसदान का ना आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन वो भी उधर मतलब सारे जन्नत में देखकर खुश हो रहा होगा भाई, जन्नत में जा गया पता नहीं किधर गया है नहीं ये तो हम नहीं कह सकते जिधर भी है, लेकिन हेवन में बैठा हुआ है कि ये बच्चे भी तरक्की करेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए, पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड बाय, टेक।